बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन योर प्रीवियस टास्क। टेक आउट योर साइंस वर्कबुक, ओपन पेज नंबर 5। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे। आवर टॉपिक इज़ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द रेलिवेंट ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है रेलिवेंट ऑब्जेक्ट के साथ मैच करने के लिए। तो सीड जब हम ज़मीन में लगाते हैं, देखिए सीड्स हैं, बीज जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है बड़े होके? प्लांट, ठीक है। तो आपने ऐसे मैच करनी है उसको अच्छे से कि आपका मिक्स भी ना हो और गलत मैच भी ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि पपी है, पपी बड़े होके क्या बनता है जी? डॉग। बेबी क्या बनता है? मैन। चिक बड़े होके बनती है हैन। चिक जो है बड़े होके हैन या कॉक बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद है टैडपोल। आपको पता है कि फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहते हैं, तो टैडपोल बड़े होके क्या बनेगा? फ्रॉग। और काफ है, वो बड़े होके काऊ बनेगी। और आपको इनकी शेप से भी पता चल रहा है कि कौन किसका बेबी है, लेकिन बस वो ये है कि उनकी शेप जो है वो बड़े होके डिफरेंट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ एनी टू नॉन लिविंग थिंग्स। आपने नॉन लिविंग थिंग्स को, जो जानदार चीज़ें नहीं हैं, जो सांस नहीं ले सकती, जो मूव नहीं कर सकती, जो खा पी नहीं सकती, उनको ड्रॉ करना है। तो आप बॉल ड्रॉ करें, पेंसिल ड्रॉ करें, उसके अलावा अगर आपको कोई कार ड्रॉ करने को दिल करता है तो आप वो करें, आप बुक ड्रॉ करें, आप काइट ड्रॉ करें, आप कुछ भी अच्छा सा कोई भी टॉय जो नॉन लिविंग थिंग मतलब वो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट यू हैव टू मैंशन डेट एंड डे। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों ने एक राइट आंसर को चूज़ करना है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल। वो कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी में से कौन सा पार्ट चूज़ करेंगे जिससे आप पेंसिल को होल्ड कर सकें? टोज, फिंगर्स, नेल्स। तो देखें कि मैंने किस से पेंसिल को होल्ड किया हुआ है? फिंगर्स। तो हम फिंगर्स को टिक करेंगे और सर्कल लगाएंगे, ठीक हो गया। व्हाट डज़ अ किटन ग्रो इनटू? वो कह रहे हैं कि किटन जो है वो बड़े होके क्या चीज़ बनेगी? बॉय, डॉग या कैट? तो आपको पता है कि किटन कैट के बेबी को कहते हैं, तो कैट पे हम टिक लगाएंगे और उसे सर्कल करेंगे। हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमन्स हैव? 1, 2, 3। वो कह रहे हैं कि इंसान जो है उनके कितने अंगूठे हैं? तो ये देखें, 2, 1, 2, 3। तो हम 2 को टिक करेंगे और सर्कल लगाएंगे। विच ऑफ दीज इज़ अ लिविंग थिंग? वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ जानदार है, जो ग्रो कर सकती है, जो सांस ले सकती है, जो खा सकती है? बाइसिकल, हैट, क्रो। तो आपको खुद पता है कि क्रो इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक हो गया। नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है? ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी का हिस्सा नहीं है। टेल, दुम, हेड, सर, नेक, गर्दन। तो आपको पता है कि इंसानों की दुम नहीं होती है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। मार्क दीज स्टेटमेंट्स विथ टिक और क्रॉस। वो कह रहे हैं कि आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने टिक या क्रॉस करना है। नंबर 1 है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगन लाइफ एज बेबीज। तो तमाम इंसान जो है बच्चों से, मतलब पहले वो बच्चे होते हैं और फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर, मतलब उनकी लाइफ ऐसे होती है, अपनी बेबी से लाइफ स्टार्ट करते हैं ना। तो इसका आंसर है टिक। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तमाम जिंदा रहने वाली जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है, टिक। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। आपको पता है कि बेबी से बड़े होकर आदमी बनते हैं या औरतें बनते हैं। प्लांट्स बड़े होके बड़े पौधे या दरख्त बनते हैं, और एनिमल्स भी बड़े होके एडल्ट एनिमल्स बनते हैं। तो यस, वो ग्रो करते हैं। ऑल चिल्ड्रंस लुक द सेम। तमाम बच्चों की शक्लें एक जैसी होती हैं, क्या वो एक जैसे लगते हैं? नो, क्रॉस। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। वो कह रहे हैं कि प्लांट्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती बड़े होने के लिए, खुराक की ज़रूरत नहीं होती जी स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत, खुराक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। टॉपिक, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे। टॉपिक इज़ फूड।
कलर द फूड विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स। क्वेश्चन रीड करना जब आपको आ जाएगा तो सवाल की आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। वो कह रही है कि उस फूड को आपने कलर करना है जो प्लांट से हमें मिलता है। एप्पल यस, इसको आप रेड कलर करेंगे। चिकन नो, ये हमें एनिमल से मिलता है, तो हमें किसका पता करना है? प्लांट्स। ठीक है, अब ये देखें कि ये कॉर्न है तो ये प्लांट से है, और ये एग है तो ये हमें चिकन से मिलता है, ठीक है, हैन से। तो हमने सिर्फ प्लांट्स वालों को टिक करना है और कलर करना है। इसमें आप रेड कलर करेंगे, लीफ में आप ग्रीन करेंगे, येलो आपको पता है कि कॉर्न होता है या येलो ही होगा बल्कि, और यहाँ पे भी आप चेंज सा लाइट कलर करेंगे, ठीक है, लाइट ग्रीन सा कर लें बेशक। फिर वो सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। वो कह रहे हैं कि दो दो खाने हैं जो आपने लिखने हैं, जो आप नाश्ते में लेते हैं, दोपहर के खाने में लेते हैं और रात के खाने में लेते हैं। ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को, किसको कहते हैं? जो हम नाश्ता करते हैं, ठीक है। लंच आपको पता है दोपहर का खाना, और डिनर रात के खाने को कहते हैं। अब ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं? एग, मिल्क, एप्पल, ठीक है। लंच में रोटी, सैलेड, डिनर में राइस, फिश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? आपको तो ये अच्छे तरीके से पता है, और रीडिंग अगर आपने अच्छे तरीके से 4 to 5 times कर ली हुई तो ये इसका आंसर तो आपको खुद आता होगा कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम ईट अदर एनिमल्स, कि कुछ जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और कुछ बाकी जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो फॉर्मेशन मिस्टेक का ख्याल रखना है आप लोगों ने, वन फिंगर गैप के साथ लिखना है और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को खाने की क्यों ज़रूरत है? जानदार चीज़ों को खाने की क्यों ज़रूरत है? टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं, इनकी मैं आप लोगों को इलहदा से वीडियो बना के भेजूंगी, 8 और 9 की। आप लोगों ने पेज नंबर 10 ओपन करना है और आप लोगों ने इसको फिल करना है। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे। सॉल्व द वर्ड सर्च पजल टू फाइंड द बॉडी पार्ट्स फॉर यॉर्क एंड ह्यूमन। वो कह रहे हैं कि आपने यॉर्क एंड ह्यूमन्स के बॉडी पार्ट्स को इसमें सर्च करना है और लाइंस करनी है। और ये क्वेश्चन है, नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन यॉर्क बट नॉट इन ह्यूमन। वो कह रही हैं कि आपने उन बॉडी पार्ट्स का नेम लिखना है जो यॉर्क में तो हैं बट ह्यूमंस इंसानों में नहीं है। तो नंबर 1 पे है हॉर्न, नंबर 2 है टेल, नंबर 3 है फर, के जो सींग होते हैं वो भी इंसानों के नहीं होते, दुम भी नहीं होती, और फर भी इंसानों की नहीं होती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि हम लोगों ने इसमें वर्ड्स को सर्च करना है। तो ये देखें, लिट है। आप लोग अगर स्केल से, मैं आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करना सिखाती हूँ कि अगर उस तरह कर लें तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। जैसे ये लिड है तो ऐसे एक लाइन लगाएं, ऐसे लगाएं और इसको साइड से ऐसे कर लें, तो देखें कि एक ब्लॉक बन जाएगा और आप लोगों को याद भी रहेगा। लिड है, फर है, हैंड्स हैं, हूफ, हेड, फीट, हेयर, शोल्डर्स, टेल, नी, रिस्ट, माउथ, हॉर्न, ear, cheeks, lip, toes, fingers, back, arms, thumb, nails, eye, heel and palm। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह अगर स्केल से आप लोग लाइंस लगाएंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, देखें इसमें और इन सर्कल्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने अच्छे से लाइन ड्रॉ करके ऐसे करें तो आप लोगों के बॉक्सेस बने होंगे और वो आप लोगों को मुश्किल भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों का ये पेज नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। मैं एक्टिविटी की आपको इलादा से वीडियो बनाकर सेंड करूँगी। थैंक यू।